हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीषा और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल चलो लर्न करते हैं में। तो आज का ये वीडियो रिलेटेड है हिंदी की वर्कशीट से, जो कि नर्सरी और एलकेजी क्लास से है। देखिए, ऐसे वर्कशीट घर पर अगर हम तैयार करते हैं तो बच्चों को इससे बहुत फ़ायदा होता है। ये बच्चों के लिए ही वर्कशीट है, तो इससे उन्हें बहुत फ़ायदा होता है। बच्चे इसे गेम की तरह लेते हैं और इसे सीखते भी हैं, और हम मम्मीज़ की भी टेंशन ख़त्म होती है। तो सबसे पहले मैंने वर्कशीट में मैचिंग रखा है, यानी मिलान करो, ठीक है। इसमें मैंने सारे लेटर लिख दिए हैं, अ आ क ख ग घ भी आप लिख सकते हैं, जैसा बच्चा आपका जानता है वैसे आप मैचिंग तैयार करें मिलाने वाला। इसमें क्या करना है कि आपको जैसे आ है तो आ आपको दो तीन लाइन के नीचे ही लिखना है, तीन या चार लाइन के नीचे भी लिख सकते हैं। इससे बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, ज़्यादा नीचे लिखेंगे तो दिक्कत हो जाएगा उनके लिए भी, तो इसलिए फिर आ से आ देखिए इस तरह से हमें बच्चों को देना है मिलाने के लिए। इस तरह से बड़ी ई मिलेगा, री से री, ओके। और मैंने मैचिंग इसलिए रखा क्योंकि बच्चों को बहुत पसंद आता है, और शुरू में जो उन्हें पसंद आता हो वही उन्हें करना भी चाहिए, क्योंकि इससे उन्हें फिर मन लगेगा आगे की ओर, आगे की तरफ बढ़ेंगे, आगे की तरफ वो देखेंगे और क्या क्या मम्मी ने दिया है और क्या क्या हमें करना है। तो इसलिए मैंने मैचिंग पहले रखा है क्योंकि मेरे बेटे को तो बहुत पसंद है, तो मुझे लगता है कि सभी बच्चों को ये बहुत पसंद आता होगा मैचिंग करना। और इस तरह से तो हम पहले मैचिंग ही दे देंगे बच्चों को, ठीक है। यहाँ मैंने ऊपर में अ आ स्वर वर्ण दिया था और नीचे में क ख ये सब दे देंगे। अगर बच्चे ने क ख ग घ नहीं पढ़ा है तो वो स्वर वर्ण ही करेंगे, ठीक है। और यहाँ देखिए, यहाँ मैंने चित्र के साथ अब अक्षर मिलाने के लिए दिया, वहाँ था लेटर स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण, और यहाँ मैंने दिया चित्र के साथ अक्षर मिलाने के लिए। देखिए यहाँ पर ये था और यहाँ पर है चित्र के साथ, और ये है दूसरा वर्कशीट। तो यहाँ पर हम ड्राइंग बना लेंगे, बस हमें यहाँ ये ध्यान रखना है कि हमें ड्राइंग ऐसा बनाना है कि बस बच्चे उस ड्राइंग को देखकर पहचान जाए कि हाँ ये वही है, ठीक है। अब जैसे ये ए और ऐसे हो गया ऐनक, अंग से अंगूर, घ से घर, बच्चा इस तरह से लगाते जाएगा और उसे खूब मज़ा भी आने वाला है मैचिंग करने में। छ से छाता, फिर ए से एड़ी, ये देखिए मैंने एड़ी इस तरह से बनाया है, ए से एड़ी, आ से आम हो जाएगा, और स से सूरज हो जाएगा। ये देखिए नेक्स्ट पेज में भी मैंने चित्र से ही रिलेटेड दिया है मैचिंग। यहाँ पर एक्चुअली क्या था, मैंने व्यंजन वर्ण भी मिला दिया था, लेकिन अगर व्यंजन वर्ण बच्चे नहीं जानते हैं, अभी वो नर्सरी क्लास में हैं तो वो केवल स्वर वर्ण ही जानेंगे, तो इधर मैंने केवल स्वर वर्ण ही दिया है, ठीक है। ये जैसे देखिए यहाँ पर स्वर वर्ण है केवल मैचिंग। अब यहाँ क्या करना है, बड़ी उसे ऊन है तो बड़ी उसे ऊन को हम मैचिंग करेंगे, ओके। हम क्या मैचिंग करेंगे, बच्चे मैचिंग करेंगे एक्चुअली। और ओ से ये औरत हो गया, ओ से औरत, अ से अनार, ओ से ओखली, ओखली इधर है, और छोटी से इमली, इमली ये रहा छोटी से इमली, और फिर बड़ी से एक, ये बड़ी से एक मैंने बनाया है। इस तरह से बच्चे आराम से मैचिंग कर लेंगे, ठीक है। हमें यहाँ ये भी ध्यान रखना होगा कि जो भी हम वर्कशीट तैयार करेंगे, जो भी हम उसमें लिखेंगे, वो होगा कलर पेंसिल, कलर पेन से कलर का यूज़ करेंगे। बच्चा देख कर के उसे अट्रैक्ट होते हैं, बच्चे को मज़ा आता है पढ़ने में, क्योंकि बच्चे क्या बड़े भी कलर से बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, ये मैंने तीसरा वर्कशीट लिया है खाली स्थान भरो। इसमें मैंने शुरू में स्वर वर्ण, अ के बाद आ भरेंगे बच्चे, छोटी के बाद बड़ी, इस तरह से फील करने के लिए हम देंगे, ठीक है। ऊपर स्वर वर्ण दे दिया है मैंने, और लिखने के बाद हम उन्हें कैप लगाने के लिए ज़रूर बोलेंगे। मैंने अपने बच्चों को बताया है कि वो लिखने के बाद कैप चाहे ढक्कन लगाएं, तो इस तरह से वो समझ जाते हैं कि मम्मी क्या कह रही है, अगर वो भूल जाते हैं तो इस तरह से हम करेंगे री के बाद ए, इस तरह से फील करवाएंगे बच्चों से, ठीक है। और यहाँ हम कैप कहीं कहीं खुद ही लगा देंगे, और बच्चों को ऊपर से बोलेंगे कैप लगाने के लिए, कैप लगा हुआ देखते तो बच्चों को भी सहूलियत होती है लिखने में कि हमें कहाँ लिखना, क्योंकि शुरू शुरू में बच्चों को ज़्यादा बर्डन नहीं देना चाहिए, वो धीरे धीरे ही आगे बढ़ते हैं, धीरे ही धीरे सीखते हैं वो। इस तरह से देखिए, मैंने नीचे ऊपर दे दिया स्वर वर्ण और नीचे दे दिया है व्यंजन वर्ण, ऐसे ही करके हमें फील कराना है बच्चों से। ये है चौथा वर्कशीट,
और इसमें हम देंगे खोजो, ढूंढने के लिए देंगे। अब इसे हम कहेंगे कि देखो ये है आ, और आ तुम्हें ढूंढना है, ठीक है, ये आ तुम्हें ढूंढना है। और इसके आगे मैंने लगा है ब्लू सर्कल, तो ब्लू सर्कल ही तुम्हें, ब्लू कलर से ही तुम्हें सर्कल करना है, ओके। और ये नीचे है आ, आ का सर्कल है ब्राउन कलर से, तो तुम्हें जब आ मिले तो उसे ब्राउन कलर से सर्कल करो, ठीक है। इस तरह से पहले बच्चों को आ दे देंगे, फिर आ दे देंगे, तो बच्चा उस कलर से सर्कल करेगा, वो आराम से सर्कल करेगा। यहाँ छोटी बड़ी ई है, छोटी ई को मैं कहूँगी ग्रीन कलर से सर्कल करना और बड़ी ई को ऑरेंज कलर से सर्कल करने। कलर अच्छे से करेंगे क्योंकि बच्चों को तो कलर से प्यार होता है, तो इस तरह से वो अच्छे से कलर करेंगे। और बच्चा ढूंढेगा अ किधर है, तो अ जहाँ मिलेगा वो उसे सर्कल करेगा ब्लू कलर से। अब आ ब्राउन कलर से है, तो आ को ब्राउन कलर से सर्कल करेगा वो, ठीक है। इस तरह से ढूंढ ढूंढ के वो खुद ही सर्कल करते जाएगा। बच्चे को इसमें काफ़ी मज़ा आने वाला है। और छोटी भी ग्रीन कलर से है, तो वो ग्रीन कलर से सर्कल हो जाएगा, और बड़ी ई ऑरेंज कलर से सर्कल हो जाएगा वो। अब आप चाहे तो छोटी ऊ, बड़ी ऊ, ए ये सब भी दे सकते हैं। अब इस तरह से क्या होता है कि बच्चे आराम से पहचान लेते हैं, लेटर्स को भी, अक्षर को भी अच्छे से पहचान लेते हैं, क्योंकि उन्हें सर्कल करना रहता है। अब ये है पांचवा वर्कशीट, इसमें है चित्र देख करके घेरा लगाना है। इसमें जैसे कमल है, तो क में बच्चा क्या करेगा, सर्कल करेगा, तो क से कमल में वो क में सर्कल कर लेगा इस तरह से। और फिर इसी तरह ग से गमला है, तो फिर ग में सर्कल हो जाएगा। इसी तरह ये है ढ से ढक्कन, तो ढ से ढक्कन में हो जाएगा। और ये है आ से आम, तो आ से आम में, फिर बड़ी ई से ईख, तो बड़ी ई से ईख में हो जाएगा सर्कल। और ये है औ से औरत, तो औ से औरत में हो जाएगा। और ये है जैसे जहाज, तो जैसे जहाज में सर्कल हो जाएगा। इस तरह बच्चे को बहुत मज़ा आने वाला है सर्कल करने में। अब ये छठा वर्कशीट है, चित्र देखकर पहला अक्षर लिखना है इसमें बच्चे को, तो हम इस तरह से चित्र बना देंगे। ये मैंने ओखली बनाया है, ठीक है, ये ओखली है, तो इसमें क्या लिखेगा बच्चा, ओ से ओखली, ठीक है, इसमें लिखेगा ओ से ओखली होता है, तो क्या लिखेगा, ओ लिख देगा। इसी तरह ये अंग से अंगूर है, तो अंग लिख देगा, अंग से अंगूर। ये है छ से छाता, तो छ से छाता हो जाएगा। और ये है झ से झंडा, तो झ से झंडा हो जाएगा। इसी तरह ये है ड से डमरू, और ये है ज से जग, तो जैसे जग हो जाएगा। ये बस मैंने ऐसी ड्राइंग बना दी है, कोई मैंने सोच समझ के ड्राइंग नहीं बनाई, बस बच्चे को पहचान जाना कि हाँ ये वही है ड्राइंग, और उसे उस ड्राइंग से रिलेटेड अक्षर लिख देना है। अब हमारा सातवां वर्कशीट है जोड़कर शब्द बनाओ, तो इसमें ख प्लस त मैंने दे दिया है, तो लिखिएगा ख त खत बच्चा, ज प्लस ल, तो ज ल जल हो जाएगा। उसी तरह ह प्लस ल है, तो ह ल हल हो जाएगा। इसी तरह ज प्लस ग, तो ज ग जग, म ग मग, फ ल फल, और ट ब टब। ये बच्चा आराम से लिखेगा, ठीक है। तो इस तरह से बच्चे सारे कंप्लीट कर लेंगे वर्कशीट, ओके। तो इसी तरह मैंने अपने बेटे के लिए सात तो वर्कशीट तैयार किया है। एक्चुअली होता क्या है कि जब बच्चा स्कूल जाता है, मेरा बेटा जब स्कूल जाता है, तो उसमें मुझे टाइम मिल जाता है, घर के कामों को जब मैं कर लेती हूँ, तो फिर मैं उसके लिए एक वर्कशीट तैयार करती हूँ इसी तरह। और वो जब स्कूल से आता है, जब वो फ्रेश होता है, खाना वाना खा लेता है, तो फिर मैं बोलती हूँ कि प्लीज़ बेटा इसे करके दिखा दो तुम, तो फिर वो खुशी खुशी करता है, क्योंकि इसमें कलर्स का है यूज़, तो वो बच्चा कलर्स को देखेगा तो वो खुश हो जाता है कलर्स को देख करके। और मैचिंग वगैरह तो उसका फेवरेट होता है, तो शुरू में मैं मैचिंग ही दे देती हूँ, इससे वो आराम से करता है। फिर अपना जब अगर बीच में उसका मन उब भी जाता है, बोला मम्मी मैं बाद में करूँगा, तो फिर वो बाद में मैं बोलती हूँ कि हाँ ठीक है बाद में कर लेना। तो इस तरह से हम बच्चों को दे सकते हैं, और बच्चा भी खुशी खुशी करता, और हम भी देख लेते कि हाँ बच्चे को मेरे कितना आ रहा है, वो कितना कर पा रहा है, कहाँ गड़बड़ कर रहा है कि हम उसे बताएँ। तो ये वर्कशीट जो है वो हमारे बहुत काम आता है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको भी ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा, और ये जो मैंने वर्कशीट जो बनाया है वो आपके लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिएगा, और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा मेरे चैनल को, जो कि रेड कलर में नीचे बटन है उसे आपको प्रेस करना है।
और बेल बटन भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे मैं जो भी वीडियो डालूँ वो आप लोगों तक तुरंत पहुँचे और मैं बच्चों के लिए ऐसी ही वीडियोज़ बनाते रहती हूँ। ओके फिर थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।